तो बाजी के मेहंदी लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आज है बाजी की मेहंदी, अभी बाजी की मेहंदी भी लग रही है, तो वो मैं आपको लगने के बाद दिखाऊंगी। मेहंदी मैंने अभी तक नहीं लगवाई है, मैं भी लगवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। मुझे अभी बाहर भी जाना है, बहुत सारे काम है। बॉयज गर्ल्स के फेशियल तो हुए नहीं है, देख सकते हैं आप सब। तो पहले ही करवा के बैठ गए, ये हफ्ते पैक लगा रहे हैं दोनों। हम लड़कियों के तो कुछ हो नहीं रहे, इनके देखो इन ज्यादा सारे लाइन में खड़े बॉयज, सबके लगा दो, पैक लग रहा है सबके। बिठा के करो भैया, आराम से लगाओ, देखो ऐसे नहीं करो। हाँ नहीं नहीं, आराम से लगाओ इनके। आंखें नहीं खोलनी, 5 मिनट आंख बिल्कुल नहीं खोलनी, ठीक है? आंख बंद रखनी है बिल्कुल। आओ मैं और लगा दूंगी। तुम्हारे मियाँ ने लगाया तालगा, हमारे बच्चे के मैंने लगाया है, और इन्होंने अपनी गर्दन में भी लगवा लिया। और कान तक में भी लगवा, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, हम क्यों सुने भाई, भाई साहब ये नहीं, मेरी बात सुनो भाई साहब, ये है कि जो माल जिसका है ना, वो माल ज्यादा लगाएगा, और जिसका माल नहीं है उसके माल थोड़ा। मेरा मेरा देखो कहाँ निकल रहा है, हमारा पैर में लगने भाई के लगा के सब, भाई मेरे को नहीं पता, मैंने तो चेहरे पे लगाया है। आखिर नार ये दिन आ ही गया कि मेरा सपना अधूरा रहा, रिक्शे वाले से ना होकर इंजीनियर से शादी हो रही है। ये सपना आ ही, सपना सपना रहेगा, ड्रीम इज कम ट्रू कहना चाहिए। कि वो कहते नहीं, क्योंकि अल्लाह से शिद्दत से मांगो तो मिल ही जाता है। अल्लाह से मांगा, थोड़ी सी देर हो गई, इधर उधर निकल गए, दुआ इधर से उधर भाग गई। क्या तुम एक साथ चल रही है, शादी आखिरकार हो ही रही है। चावल के पास और इनके जो दिल में खुशी है, दिल भाग भाग है। इतना लंबा सफर 240 किलोमीटर का, इससे ये 24-48 घंटे की सफर नहीं हो रहा होगा। बाजी की अभी तक पूरी नहीं मेहंदी लगी, बस पैरों में लगी। ऐसे एक बात है भाई, प्यार बहुत गहरा है। ये दिन नहीं है, घंटे गिन रही। हाँ कसम से, और इस टाइम और पता है सो नहीं पा रही होगी, जल्दी उठ जाती होगी ना। फोन करके कह रहा है अरे नौरे बाजी को, यूं कह रही हूँ, सुन मेरा, कितने दिन लगे? जो कह रही 29 दिन कुछ घंटे, वो भी कह रहे अंदर से 29 दिन कुछ घंटे। अरे सेकंडों का हिसाब लगा, सेकंड भी गिन रही है लोग। जैसे जैसे ये इधर होगी, ये इधर होंगे, आखिरकार हमारा सपना पूरा ही हुआ। अरे नहीं नहीं, सलमान ने कहा पता क्या, क्योंकि यार एक तो मुझे वो रस्म करनी है, वो होती है ना निकाह के बाद घोसा करते, एक तो वो करनी है भाई, कोई मेरी वो वाली रस्म भी करवा दे, पाकिस्तानी वगैरह में दाल नहीं बैठाऊंगे पापा। अपने घर जाके करिएगा। अभी मैंने वीडियो देखी, लड़की से पूछा साइन कर रही थी, वो जैसा से पूछा कबूल है। हाँ हाँ कबूल है, ठीक है।
तो सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हो गए। हल्दी का जो भी फंक्शन था वो भी बहुत अच्छे से हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया भी है। बारात जो है देहरादून से आ रही है और हमें रिसेप्शन में देहरादून ही जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो बाजी के मेहंदी लग चुकी है ही। पूरी मेहंदी दिखाओ बाजी। ओ वाह, पैरों की भी बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी इसका कलर आना बाकी है, वो कल पता चलेगा कलर कैसा आएगा। सलमान भाई का प्यार पे डिपेंड है वो, है ना। अगर शिद्दत वाली मोहब्बत होगी ना तो बहुत गहरा आएगा। अगर मुझे लग रहा है गहरा ही आएगा, कलर डार्क ही आने वाला है इनका। शिद्दत वाली मोहब्बत है उनकी। अलीजवा दिखाओ अपनी मेहंदी, इनको पूरी फुल लगवानी थी है। क्या चाहिए भाई, दुपट्टा नहीं चाहिए फिर? तो मेरे मेहंदी लग रही है और सबने मुझे बिठा दिया कि दुल्हन रानी पहले तुम लगवा लो, और सारी लड़कियों के जितनी भी गर्ल्स थी उनके भी लग गई और अभी मेरे लग रही है। अब मैं सोचूं पीछे लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, तो अभी मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि मुझे मेहंदी ना इतनी ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है। बाकी आप मेरी मेहंदी देख सकते हो, शैल का नाम भी लिख दे रहा हूँ। अफरा मेरी वजह से आई है स्पेशली मुझसे मिलने के लिए, और मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आई है। थैंक यू भाई के लिए। अच्छा नहीं, पूरी नहीं है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है जब लोग मुझे इस तरीके से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।